तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 3024 फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। कैटेगरी के तहत कालकाजी में डीडीए ने 3024 फ्लैट्स बनाए हैं। कैसे बने हैं ये फ्लैट, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए द्वारा जो 3024 फ्लैट तैयार किए गए हैं, आइए आपको उनकी झलक दिखाते हैं। ये एक फ्लैट है, इस फ्लैट में घुसते के साथ ही यहाँ पर लिविंग रूम बनाया गया है। लिविंग रूम के साथ ही यहाँ पर एक रसोई बनाई गई है, रसोई के अंदर भी खिड़की दी गई है, लिविंग रूम के अंदर भी खिड़की दी गई है। इसके अलावा जब हम और आगे चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एक शौचालय बनाया गया है, शौचालय के साथ ही यहाँ पर एक स्नान गृह बनाया गया है। और यहाँ पर आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं ये एक बेडरूम है, और ये बेडरूम है, बेडरूम के अंदर भी खिड़कियाँ दी गई हैं। पूरी तरह से हवादार मकान को, फ्लैट को बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी भी दी गई है, यहाँ पर खड़े हो सकते हैं आप, यहाँ देख ही सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से हवादार पूरा ये फ्लैटों को बनाया गया है, पूरी तरह से खुले खुले ये फ्लैट देखे जा सकते हैं। तो एक अलग ही यहाँ पर जो यहाँ झुग्गी वासी रहेंगे उनको एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले काफ़ी समय से नारकीय जीवन जी रहे थे, अब उन्हें एक अच्छा समय उनके लिए आया है। और ये अच्छा समय आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि उनको अब फ्लैट मिल रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता और श्रीनिवास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली।